शक्ल निकली है इसकी, लग तो बहुत ज्यादा टेस्टी रहे। ये क्या चिकन है? चिकन जबरदस्त भाई, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं ये, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अब ये खा के पता चलेगा ये कैसे हैं। हाँ तो भाई अभी हम आए हुए हैं पापा फ्राइज, ये मटके में जो हमने इनसे फ्राइज बनवाए देख सकते हैं, इन्होंने मटके में ब्रांडिंग की हुई है पापा फ्राइज। यहाँ पे तेल में अभी हमारे फ्राइज बन रहे हैं, ये फ्राई हो गए। नॉर्मल हो, नॉर्मल। यहाँ पे कौन सा मसाला डाल रहे हैं अंकल आप? ये टिक्का मसाला, और यहाँ पे हमारे टिक्का मसाला डल गया है। और ये कौन सा मसाला है? ये हमारा सिगरेट मसाला है। सिगरेट मसाला भाई, सिगरेट मसाला डालना है अंकल। ये जो हम जो बनवाए हमने फ्लेवर, ये है पापा पिज्जा फ्राइज, मतलब ये इनके स्पेशल फ्लेवर बनवा रहे हम, और ये मटके में बनेंगे। ये अभी मटके में डाल रहे हैं अंकल। वैसे अंकल आपके दिमाग में कैसे आया ये बनाने का आइडिया? बस मैं 30 साल हो गए मेरे को 97 से काम कर रहा हूँ। ओफो, 1997 से काम कर रहे हैं आप ये, मतलब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज का। अल्लाह पाक का जबरदस्त, आप लोगों की दुआएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी डाल रहे हैं क्रीम मिल्क पैक की, जबरदस्त। अंकल ने जो है चीजें भी, अंकल बहुत ज्यादा हाइजीनिक यूज कर रहे हैं, अंकल ने ऐसे ग्लव्स वगैरह ही पहने हुए हैं। सही अच्छा काम हो रहा है, तेल भी यहाँ पे साफ सुथरा है, और ये क्रीम डल रही है। ये क्या डाल रहे हैं अंकल आप? ये मायो। मायो कौन सा मायो है? ये हमारा बनाया हुआ है, आपके हाथ का माया हुआ है, जबरदस्त। जैसे आप देख रहे हैं ये अभी ये शक्ल निकली है इसकी, लग तो बहुत ज्यादा टेस्टी रहे। ये क्या चिकन है? चिकन जबरदस्त भाई, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं ये, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अब ये खा के पता चलेगा ये कैसे हैं। और यहाँ पे अभी चिकन डल रही है, अंकल ने यहाँ पे छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है, तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा, मतलब एक स्टॉल के हिसाब से बहुत ज्यादा सही बना रहे हैं। ये जो हमने मटका बनवाया है 400 का है ये, आप लोग आए आके जरूर विजिट करें, बहुत सही बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारी चीज चल रही है, ये और ये चीज के ऊपर दोबारा फ्राइज चल रहे हैं। अब इसके ऊपर एक और चीज का स्लाइस डालेगा अंकल। अच्छा, और ये जितने अंकल ने फ्राइज निकाल दिए सब डल गए अंदर। अब इसके ऊपर चीज की टॉपिंग होगी। ये वही अंकल बारबेक्यू फ्लेवर था। ये कौन सा मसाला डाल रहे हैं आप? ये हमारा सीक्रेट, हमारा अपना बनाया भाई। ये सब आपके अपने बनाए हुए? अच्छा, स्पेशल मसाले। दोबारा ये भी अब इसके ऊपर दोबारा डालना है क्रीम, ये अच्छी टॉपिंग होगी, मतलब ऊपर जो है क्रीम की टॉपिंग होगी, फिर उसके ऊपर चीज डलेगी। अच्छा भाई, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है ये अंकल, नो डाउट। अच्छा, ये श्रेडेड होकर डलेगी इसके ऊपर, जबरदस्त। तो अगर यहाँ पे अगर लोगों को आना हो तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर कुछ? मेन्यू में नंबर लिखा हुआ है, बम्बई कोयला कढ़ाई के सामने। अच्छा, बम्बई कोयला कढ़ाई के सामने है, बिल्कुल पापा फ्राइज। ओके, आप लोग आए जरूर आए, आके विजिट करें, ये बहुत जबरदस्त बना रहे हैं, स्ट्रेट होकर उन्होंने चीज डाल दी। ये क्या डाल रहे हैं आप? हैलेपीनो। अच्छा, और ये शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च, एलेपिनोस। ये यहाँ पे आपने गैस सिलेंडर लगाया हुआ है? ओए होए होए। अच्छा भाई, बनाने का तरीका तो अंकल का बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा था ये ओवन वगैरह में रखेंगे, लेकिन नहीं भाई।
बहुत बेहतरीन बनाए, लाइक चीज़ भी बहुत ज़्यादा डाली है, बहुत ज़बरदस्त बनाया भाई। पैसे जो अगर आप खाते हो तो पैसा आपकी वसूली हो। तो भाई पहला फूड ब्लॉग है, तो ज़्यादा जज करने मत लग जाना कि ऐसा बनाया और वैसा बनाया, बस बन गया जैसा बनना था। मैंने पूरी कोशिश की बनाने की और मैं आगे कोशिश करता रहूँगा अच्छा बनाने की। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं और फूड ब्लॉग्स बनाऊँ तो भाई कमेंट करके बताओ, मुझे कमेंट्स चाहिए। बाकी यार इस वीडियो के एडिट करने में, दूसरा रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगी है और इस वीडियो में तो पैसे भी लगे। भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।